सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म खिलाड़ी के बारे में, जो कि 5 जून 1992 में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में लीड रोल में थे अक्षय कुमार, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी और सबीहा। फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट बहुत लंबी है, जिनमें से कुछ है टीनू आनंद, शरद सक्सेना, अनंत महादेवन, जॉनी लीवर, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर। खुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है। खिलाड़ी अक्षय कुमार के करियर की पहली सुपरहिट फिल्म तो थी ही, लेकिन खिलाड़ी ही वो पहली फिल्म है जिसने अक्षय कुमार को खिलाड़ी की टैगलाइन दी। कॉलेज में नहीं नहीं आई एक लड़की है। खिलाड़ी के बाद अक्षय कुमार की खिलाड़ी नाम से कई फिल्में आईं। सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी और खिलाड़ी 786। खिलाड़ी फिल्म अब्बास मस्तान के डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म थी और ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कॉलेज में नहीं नहीं आई एक लड़की है। खिलाड़ी फिल्म 1975 में आई ऋषि कपूर की एक फिल्म से इंस्पायर्ड थी, जिसका टाइटल था खेल खेल में। खिलाड़ी फिल्म अक्षय कुमार और आयशा जुल्का की साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने वक्त हमारा है और जय किशन फिल्म में काम किया। तौपा, तौपा, दीवानी है, आयशा जुल्का से पहले ये रोल पूजा बेदी को ऑफर हुआ था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। अक्षय कुमार से पहले उनका ये रोल अरबाज खान को ऑफर हुआ था, लेकिन अरबाज खान ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो सोहेल खान के डायरेक्शन डेब्यू फिल्म में बिजी थे। सोचिए, अगर ये कैरेक्टर अक्षय कुमार की जगह अरबाज खान करते तो खिलाड़ी टैगलाइन शायद अक्षय कुमार को नहीं मिलती। और इस बात को एक्सेप्ट अक्षय कुमार भी करते हैं कि खिलाड़ी टैगलाइन उन्हें अब्बास मस्तान की वजह से मिला, जो आज उनकी पहचान है। खुद को क्या समझता है, इतना अकड़ता है। अब्बास मस्तान ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि लीड रोल में अक्षय कुमार की जगह रौनित रॉय ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके थे। रौनित रॉय से भी पहले अब्बास मस्तान मेन लीड में गोविंदा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन गोविंदा उस टाइम पे स्टार थे और अब्बास मस्तान फिल्म में नया चेहरा चाहते थे, जिसको कि कॉलेज गोइंग दिखा सकें और जिसको मार्शल आर्ट भी आता हो। तब किसी ने अब्बास मस्तान को अक्षय कुमार का नाम सजेस्ट किया और ये फिल्म अक्षय कुमार को मिल गई। फिल्म में नेगेटिव रोल में थे अनंत महादेवन, जो कि पहली बार स्क्रीन पर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। अनंत महादेवन ने ये कैरेक्टर इतना शानदार प्ले किया कि फिल्म के प्रीमियर के बाद प्रेम चोपड़ा उनके पास आए और उन्होंने अनंत महादेवन से कहा कि भाई मेरे पेट पे लात मत मारो। अक्षय कुमार का नाम राज मल्होत्रा होता है। आगे चल के अक्षय कुमार ने राज मल्होत्रा नाम का कैरेक्टर कई फिल्मों में प्ले किया, जैसे कि हाँ मैंने भी प्यार किया है, अंदाज और ऐतराज। इस फिल्म के बाद अब्बास मस्तान ने अक्षय कुमार के साथ अजनबी और ऐतराज में साथ में काम किया। दीपक तिजोरी ने फिल्म में बोनी का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन ये कैरेक्टर पहले आदि ईरानी को ऑफर हुआ था, लेकिन दीपक तिजोरी की फिल्म आशिकी रिलीज हो चुकी थी और बहुत बड़ी हिट हो गई थी और आशिकी से दीपक तिजोरी को अच्छी खासी पहचान मिल गई थी। इस बात का फायदा उठाने के लिए मेकर्स ने दीपक तिजोरी को कास्ट किया, यानी कि लीड कास्ट में दीपक तिजोरी ही वो चेहरा थे जो स्टार वैल्यू रखते थे। तू यकीनन है वही, मेरा दिल ये कह रहा है। खिलाड़ी फिल्म जॉनी लीवर और अब्बास मस्तान की एक साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने साथ में कई फिल्में की। फिल्म में जॉनी लीवर के कैरेक्टर को ऑडियंस का बहुत प्यार मिला और उनके बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक गिना जाता है। फिल्म में जॉनी लीवर ने अन्ना का कैरेक्टर प्ले किया था और ये कैरेक्टर जॉनी लीवर ने पूरी तरह से इम्प्रोवाइज किया था,
कैरेक्टर को मलयाली टच देने का आइडिया उनका खुद का था और जॉनी लीवर ने कई सारे डायलॉग्स भी खुद ही ऐड किए थे। चाय, ठंडा कॉफी, चाची, थम्स अप, थम्स अप, सेवन अप, लिम्का, नींबू पानी, ये कुछ भी नहीं मिलेगा, काले नारियल का पानी मिलेगा। खिलाड़ी फिल्म वीनस म्यूजिक कंपनी की पहली प्रोड्यूस फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की, उनमें से एक थी बाजीगर, जिसका डायरेक्शन भी अब्बास मस्तान ने ही किया था। खिलाड़ी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया था और 1992 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। फिल्म की सक्सेस के बाद दीपक तिजोरी ने मीडिया से इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्म के हीरो हैं, इसलिए फिल्म हिट हुई। इस बात का अक्षय कुमार को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो चुप रहे। गोविंदा की सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम, जो कि 1992 में ही रिलीज हुई थी, इसका पहले नाम खिलाड़ी था, लेकिन खिलाड़ी टाइटल वीनस के पास रजिस्टर्ड था। एक और फिल्म थी जिसका टाइटल खिलाड़ी था और वो फिल्म थी मिथुनदा की झूठी शान। फिल्म में एक सीन है जहां पर दीपक तिजोरी गुंडों से बचने के लिए जीप में छुप जाते हैं। इस सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होता है वो अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ से कॉपी किया गया था। फिल्म में म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने और जतिन ललित के लिए भी ये काफी बड़ा ब्रेक था और फिल्म का म्यूजिक भी काफी हिट हुआ था। लेकिन इस फिल्म के बाद जतिन ललित और अब्बास मस्तान ने साथ में कभी काम नहीं किया। फिल्म की नई कास्ट की वजह से कोई डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था। तब प्रोड्यूसर रतन जैन ने खुद ही डिसाइड किया कि वो खुद ही फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जबकि रतन जैन को डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। फिल्म के अंदर जिस थिएटर में अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी शाबिया की डेड बॉडी छुपाते हैं, उसी थिएटर में फिल्म का प्रीमियर भी रखा गया था, यानी कि सत्यम सुंदरम सचिनम थिएटर में। कल सुबह सत्यम सिनेमा के अंडरग्राउंड पार्किंग में चलते हैं और अगर कोई भी डिक्की हमें खुली मिल गई तो ये लाश उसमें डाल देंगे। और ये रहे फिल्म के क्रेडिट्स। तो फिल्म को डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने, फिल्म की स्टोरी लिखी थी एस खान ने, स्क्रीन प्ले लिखा था नईम एजाज ने और डायलॉग्स लिखे थे आदेश के अर्जुन ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था गिरीश जैन और चंपक जैन ने। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे थॉमस जेवियर और एडिटर थे हुसैन वर्मा वाला। म्यूजिक दिया था जतिन ललित की जोड़ी ने और लिरिसिस्ट थे अनवर सागर और राज। फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी अभिजीत, आशा भोसले, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और सपना मुखर्जी ने। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 7.1। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और फिल्म के साथ। बाय बाय।